हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस। सर्कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में रांची डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। और आज की क्लास में मेनली हम लोग उसमें किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और ये हमें आइडिया देगा कि आने वाले जो हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे सीसीटीसी के, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नो डाउट क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे, हो सकता है लेवल थोड़ा हाई और लो हो। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन है 26 में, ये दिया गया था कि इस तरह के चार सेंटेंसेस दिए गए थे, -7 × -8 + 14 × -4, इस तरह के चार सेंटेंसेस दिए गए थे। आपको बताना था कि इसमें कौन सा इक्वेशन, कौन सा समीकरण सही है। तो हमने सिर्फ जो है यहाँ सिर्फ आंसर को लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ 7 के पहले क्या है, माइनस लगा है, 8 के पहले क्या है, माइनस है। तो हमारा जो बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक जो हमारा नॉर्मल जो कंसेप्ट कहता है, वो क्या कहता है, -×- क्या होता है, प्लस होता है। -×- क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारा -×- प्लस होता है, +×+ प्लस ही होता है, -×+ माइनस होता है, +×- माइनस होता है। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 7 में माइनस लगा हुआ है और 8 में भी माइनस लगा है। तो -×- क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। तो किसी भी संख्या के पहले नहीं कुछ लिखा रहता है तो वहाँ प्लस का साइन रहता है। और 7 को 8 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 56 हो गया। अब यहाँ ये देख लेते हैं +×-, तो +×- क्या होता है, माइनस होता है, +×- माइनस हो गया। अब 14 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 में 4 से गुना कीजिएगा तो 56 हो गया। कहने का मतलब 56 प्लस में और 56 माइनस में दोनों कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा यह इक्वेशन सही था। तो देखिए इसके एग्जाम में जो इस तरह के समीकरण जो दिए गए थे, अगर उसको केयरफुल होकर नहीं बनाइएगा तो आप गलत आंसर कर दीजिएगा। हमने भी जो पहला बार देखा है, नो डाउट रियली बता रहे हैं, हमने भी गलत आंसर अटेम्प्ट किया था। लेकिन बाद में जब हम इसको एनालाइज किए तो पता चला कि नहीं, इसका आंसर ये होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो दिए जाते हैं एग्जाम में, बड़ा केयरफुल होकर पढ़िएगा, बड़ा केयरफुल होकर उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, -× प्लस होता है, -×- प्लस हो गया, 7 में 8 से मल्टीप्लाई होगा 56 हो गया, +× - हो गया, 14 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ 56 हो गया, 56 कट गया, 0 हो गया। मतलब आपका यह इक्वेशन सही था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यह दिया गया है कि 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6 + 7 − 8 + 9 − 10 + 11 − 12 है। अब इसको सॉल्व करके बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसको आप जैसे मन हो इसे सॉल्व कीजिए, आपको 5 नंबर नहीं लेना एग्जाम में, आपको 1 नंबर लेना है। तो जैसे हम यहाँ +1 है, ये -2 है, तो -2 में से 1 को हम माइनस करेंगे ना, ये प्लस में है तो -1 आ गया। फिर -1 को जो है 3 में से माइनस करेंगे तो +2 आ गया, +2 को 4 में से -4 में से माइनस करेंगे तो -2 आ गया, -2 को +5 में से माइनस करेंगे तो +3 आ गया। समझ में आ रहा क्या लिख रहे हैं। और +3 को -6 में से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 को 7 +7 में से माइनस करेंगे तो +4 आ जाएगा, +4 को 8 में से माइनस करेंगे तो -4 आ गया, -4 को 9 में से माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 को 10 +5 आएगा, +5 को 10 -10 में से माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 को 11 में से माइनस करेंगे तो +6 आ जाएगा, और +6 को 12 में से माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप काट काट के कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा माइनस करके भी कर सकते हैं। जैसे 12 माइनस है प्लस है तो यहाँ पे -1 हो गया, फिर यहाँ पे 19 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 -1 हो गए, और यहाँ पे -1 हो गए। इस सब -1 को जोड़ दीजिए ना, कितना हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आपको कितने हो गए, -6 हो गए, यही आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है
कि आपको जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे या किसी भी कंपटीशन में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहां आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, वहां आपको 1 नंबर लाना है, और 1 नंबर जैसे भी आए आपको लाना है, चाहे वो शॉर्टकट से बनाए, लॉन्ग कट से बनाए, जिस तरह से भी आप अपने मैथ्स को सॉल्व करें, कर सके, करना चाहिए, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो आंसर होंगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -6 आएगा, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1763 इंटू -2 था प्लस -1763 है, 1763 इसमें 98 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है। कैसे करेंगे, तो 1763 गुने -2 रहने दिए, प्लस है तो प्लस रहने दिए, उसके बाद -1763 रहने ही दिए, 98 को हमने क्या कर दिया, 100 -2 कर दिए, 98 को हम क्या कर दिए, 100 -2, क्योंकि 100 में से 100 में से 2 को घटाइएगा तो 98 ही आता है, ठीक है ना, इसीलिए हम क्या कर दिए, 100 में से 2 को घटा दिए, तो 98 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्या कर दिए, 1763 गुने 2 को यहाँ भी लिख दिए, देखते रहिए, यहाँ भी लिख दिए, और अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस में फिर प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। 1763 में 100 से गुना करेंगे तो 1763 मतलब इस पर 00 डाल देंगे आपका ये माइनस में इतना रहेगा। फिर यहाँ ये देख ले, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1763 गुने 2 रहने दिए, अब 1763 गुने 2 यहाँ प्लस में है, 1763 गुने 2 यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो -1763/00, यही आपका आंसर हो जाएगा, -1763/00 यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए देते हैं ना, मैं एग्जाम में जो खास करके रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ हाई नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े कंसेप्ट बेसिस पे होते हैं, तो थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाइएगा आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देख लेते हैं, इसमें जो अगला जो क्वेश्चन पूछे हुआ था वो पूछे हुआ है कि 1/3 + 1/2 + 1/x = 4 है, तो बताना है कि x का वैल्यू जो कितना होगा, यहाँ जो x जो है इसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसे हम लोग बटा बगैर जोड़ करते हैं ना, बटा बगैर जोड़ जैसे करते हैं उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो 3, 2, x का जो LCM होगा वो 6x हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 × 2 × x इसका जो LCM होगा वह कितना हो जाएगा, 6x हो गया। अब 3 से इसको भाग कीजिएगा तो 2x आ जाएगा, तो 2x हो गया। 2 से भाग कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 3x हो गया, और 1 से भाग कीजिएगा तो x कट जाएगा तो 6 बच गया। इक्वल टू कितना है, 4 है, 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 में 3 को जोड़िएगा तो 5x + 6 क्रॉस गुना कीजिएगा, तिरछा गुना करते हैं ना, तो 6x में 4 से गुना हो जाएगा तो 24x हो गया। अब क्या करेंगे, मतलब वेरिएबल्स को, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे, नॉन वेरिएबल्स को एक तरफ, मतलब एक्स वाले को उठाकर एक्स वाले की तरफ ले आएंगे। इधर 24x है, इसमें से प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। समझिए, जब कोई माइनस प्लस के दूसरे साइड जाता, इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो माइनस में बदल, माइनस रहेगा तो प्लस में बदलेगा, प्लस रहेगा तो माइनस में बदलेगा, डिवीजन रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो डिवीजन में बदल जाता है। कब, जब वह एक तरफ से बराबर के दूसरे साइड जाता है तब बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 5x आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24x में से 5x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19x आ जाएगा। तो 6 बराबर कितना हो गया, 19x, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 6/19, यह आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से पूछे गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टर ऑफ 3% इन डेसिमल, मतलब 3% जो है, 3% का क्वार्टर जो होता है उसको डेसिमल में बदलना है। तो 3% का मतलब क्या, 3/100, 3% का मतलब क्या हो गया, 3/100, 3 तो रहेगा, परसेंट का मतलब 100 होता है, गुने क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, तो गुने 1/4। अब ये 3 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.03। 1 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0075।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वार्टर ऑफ 3% इन डेसिमल, मतलब 3% के क्वार्टर को 3% के चौथाई को डेसिमल में बदलना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 मतलब 22 है, 54 है, 108 है, 135, 198 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए इसका एलसीएम आप लोगों को निकालने आता होगा, अगर इसको इसका एलसीएम निकाल के देखिएगा, डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। इसका एलसीएम निकालना था, 22 है, 54 है, 108 है, 135 है, 198 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 4.036 बाई 0.04 को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ हम लोग जो क्लास में पढ़े थे अपने बेसिक क्लास में, कि जैसे देखिए यहाँ ये डेसिमल को बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसको, हम आप ऐसे ना बना के इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आइए दिखाते हैं जैसे इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है, तो देखिए यहाँ दशमलव जो है, यहाँ जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में कितना अंक है, तो 3 अंक है, 3 डिजिट है, और यहाँ डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए, तो डेसिमल के राइट साइड में यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, आपका बैलेंस कर दिया। अब ऊपर जो कितना है 4036, मतलब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, नीचे हो गया 40, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 से कटेगा 10 मरतबे, 4 से कटेगा 1009, मतलब 1009/10 आ जाएगा, इसको डेसिमल में भाग कीजिएगा तो 100.9 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है दशमलव से पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे रांची डिवीजन में पूछे गए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कहता है कि 56 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि 56 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो बताना है कि 42 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए मैथ में हम लोग एक एक नियम पढ़ते थे, नहीं, जिसको इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं, हिंदी में एक एक नियम कहते थे। तो इस क्वेश्चन को हम उसी एक एक नियम से बनाते हैं। तो कह रहा है कि 56 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते थे, तो एक आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो स्वाभाविक है कि जब 56 आदमी 24 दिन में कर रहा है और उसी काम को एक आदमी को करना पड़ेगा, तो वह आदमी ज्यादा समय लेगा, मतलब 24 गुने 56 हो जाएगा, गुना करेंगे। फिर कहता है कि 42 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो 24 गुने 56/42 करेंगे, ठीक है ना। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 24 गुने 56/42 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 दिन। आपका आंसर कितना जाए, आइए सिंप्लीफाई करके दिखाई देते हैं, दिखा दें, आइए देख लीजिए। तो 24 गुने 56 हो जाएगा आपका 42। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 7 6 42, 7 8 56, 6 से काटेंगे 24 को, 6 6 24, मतलब 4 गुने 8, 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32 दिन, मतलब 42 आदमी मिलकर उस काम को 32 दिन में करेगा। देखिए एक नियम बहुत बेस्ट मेथड होता है आपको बनाने का। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहा है कि 140% जो है 56 का 140% प्लस 140 का 56%, समझिए क्वेश्चन को, कहता है 56 का 140% और 140 का 56% दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो 56 का मतलब आपका मतलब गुना होता है 140% है, तो 140/100 हो जाएगा, प्लस 140 गुने 56/100 करेंगे, तो इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 56 × 14 जो है, दोनों में 56 × 14 क्या है कॉमन है, इसको हम बाहर निकालेंगे, 56 × 14 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/10 प्लस 1/10। अब यहाँ 56 × 14 रहने दिए, 2/10 हो जाएगा, 56 × 14 × 2 कर दिए, 10 हो गया, 56 में 14 से 2 से गुना करेंगे तो 1568 हो जाएगा, 100 हो गया, 10 इसको डिवाइड करेंगे तो 156.8 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था
किसी सामान का क्रय मूल्य जो 27.50 पैसा है, उसका विक्रय मूल्य 28.60 पैसा है, कहता है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, सोल्ड प्राइस माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 28.60 है, इसमें से 27.60 जो हमारा क्रय मूल्य उसको माइनस करेंगे तो हमारा जो लाभ हुआ वह 1.10 आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है ना। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है 1.10, सॉरी लाभ कितना है 1.10 है, क्रय मूल्य हो गया 27.50 गुने 100। देखिए दशमलव के राइट साइड में यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, दशमलव से दशमलव क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 से काटिएगा इसको तो 11 2 22 11 55, 25 से काटिएगा 100 को 4 मर जाएगा, मतलब 4% आपका इस ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हुआ है। तो इसे देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है इस डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDCE क्लासेस।